अखिलेश ने छुए लालू के पैर, नहीं है किसी से कोई बैर। 2024 से पहले अखिलेश का दांव, खत्म करेंगे मनमुटाव। यूपी नहीं दूसरे राज्यों से मिलन, सियासत का नया चलन। हैदराबाद जोड़ा, तेलंगाना जोड़ा, अब जोड़ेंगे बिहार, अखिलेश बेकरार। बंगाल से करेंगे अभियान का आगाज, बीजेपी से छीनेंगे ताज। अखिलेश यादव बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए अभियान पर उतर रहे हैं। अखिलेश यादव कोलकाता से आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले ही बिहार को जोड़ने की कवायद कर चुके हैं। इससे साफ हो गया है कि इस बार यूपी की किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा, बल्कि अखिलेश दूसरे राज्यों से हाथ मिलाने जा रहे हैं। 2024 को लेकर भले ही सारी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग रणनीति से चल रही हों, लेकिन ये साफ है कि अखिलेश यादव अब पूरे फॉर्म के साथ मैदान में उतरेंगे। युवा नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले अखिलेश यादव पुराने और अनुभवी नेताओं से राय शुमारी कर आगे बढ़ेंगे। अखिलेश यादव ने तय कर लिया है कि वो अब युवा नेता भले हैं, लेकिन अपनी काबिलियत पर बड़े और राजनीति के ज्ञानी बालों का भी ठप्पा लेकर ही घूमेंगे। मुलायम सिंह यादव भी कुछ ऐसा ही करते रहे। हालांकि पिता के निधन के बाद से अखिलेश यादव की रणनीति थोड़ी चेंज जरूर हुई, लेकिन उन्होंने उस चेहरे को खोज लिया है जो सपा को फर्श से अर्श पर ले जाएगा। अखिलेश यादव कहां से प्लान बनाते हैं और किस रणनीति के तहत चलते हैं, ये सब बिहार के एक ऐसे नेता की राय पर हो रहा है जिसने बड़े बड़ों को राजनीति में धूल चटा दी है। बिहार का वो नेता जिसने अपनी सियासत के दौर में अपने विरोधियों को चित किया हो, वो भला अपना गुर कैसे भूल सकता है। लेकिन वो शख्स अब भी सियासत में एक्टिव है, बंद दरवाजे के पीछे। बहुत साधारण कुर्सी पर बैठा बिहार का इकलौता वो नेता जिसे लोग लालू कहते हैं, जिसकी काबिलियत ने बड़ी बड़ी पार्टियों को चित किया, उससे अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति सीख रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की सियासत में भी लालू प्रसाद यादव का भरपूर साथ रहा। लालू ने ना तो मुलायम का साथ छोड़ा था और ना ही मुलायम ने लालू का। लेकिन आज के दौर में राजनीति बदल जरूर चुकी है, लेकिन रणनीति अभी भी जारी है। 2024 के चुनाव को लेकर तस्वीर साफ है। अखिलेश यादव ने मन बना लिया है वो किस पार्टी के साथ अपनी साइकिल को दौड़ाएंगे। शायद इसीलिए अखिलेश यादव की एक मुलाकात ने यूपी ही नहीं बल्कि बिहार तक की सियासत में सनसनी फैलाई है। ऐसा क्या हुआ कि आखिरकार अखिलेश को दिल्ली जाकर लालू प्रसाद यादव से मिलना पड़ा? 2024 से पहले लालू प्रसाद यादव पूरी तैयारी से हैं और एक्टिव भी होने वाले हैं। शायद इसीलिए हो सकता है कि अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति को धार दे दी हो। तो दूसरी तरफ लालू के बेटे तेजस्वी और अखिलेश की बाउंडिंग भी बेहतर है और दोनों नेता अपनी पार्टी को राजनीति में एक चमक देना चाहते हैं। ये प्लानिंग तेलंगाना से भी चल रही है जिसकी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तेलंगाना की तस्वीरों से साफ हो गया कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव को लेकर ही मुलाकातें कर रहे हैं। ऐसे में एक नाम ऐसा है जो लालू की तरह दूसरी दिशा को मजबूत करेगा, पश्चिम बंगाल। वो राज्य जहां बीजेपी के कमल को पानी तक नहीं मिलता, वहीं से अखिलेश यादव अधिवेशन करने जा रहे हैं। यह अधिवेशन राष्ट्रीय अधिवेशन होगा जिसमें सपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नेता जुटेंगे। इस अधिवेशन के बाद अखिलेश यादव कुछ बड़ा प्लान करने वाले हैं। खबर है कि कोलकाता में अधिवेशन खत्म होते ही अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव का आगाज कर देंगे, मतलब सपा 2024 के चुनाव में उतर जाएगी। उससे पहले लालू से मुलाकात, तेलंगाना में एक मंच, हैदराबाद में दहाड़ और बंगाल में मंथन, ये सब अखिलेश यादव 2024 को लेकर ही कर रहे हैं। इसीलिए अधिवेशन शुरू करने से पहले लालू से मिले और पैर छूकर आशीर्वाद दिया और अब अपने मिशन पर चल पड़े हैं।